Telangana? Telangana. Advisor. NMS of sir? M.R. Rashid. M.R.? Rashid. Rashid. R.I.S.H.E.D. How are you, sir? Pune? Subhan. Subhan Puranam. As a coach. Imad. 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 M.I. short form. M.I. M.I. Navid. 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 Pune, sir? Chief Technical Advisor, Acting. गुजारिश करता हूँ इमाद साहब को तशरीफ लाए मोहम्मद इमादुद्दीन नबी मोहम्मद अदीम साहब तशरीफ लाए। ये भी हमारे मोहताई के जो चैंपियनशिप हो गया हमारे हो रही थे गांधी वोट मोहम्मद अदीम साहब उनको भी मैं इस्तकबाल पेश करता हूँ। अटेंशन गो बस Hey!
Direct face, 1 point. खुशी की बात है कि हमारे तेलंगाना की टीम जो है 14 प्लेयर्स के ऊपर जा रही है, जो 13 ओकिनावा बुजोरी कराटे ओपन चैम्पियनशिप 2016 जो मलेशिया में मुनक़िद हो रही है, जो तकरीबन 6 दिन मुनक़िद होगी, और हमारी ये टीम जो है रवाना हो रही है तेलंगाना की। मैं जनाब वी रविंदर कुमार इंटरनेशनल रेफरी को भी मुबारकबाद देता हूँ, और E.Srinivas साहब जो टीम के कोच हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, जो इस तेलंगाना में इंशाल्लाह हम ज़रूर जीत कर आएंगे, जिसमें 22 कंट्री पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जिसमें 9 साल से लेकर तकरीबन 60 साल तक स्टूडेंट पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसके अंदर, और वेट कैटेगरी से इसके मुकाबले होंगे, तो हमारे पास पूरे वेट के अंदर बच्चे जा रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर जीतने की हम कोशिश करेंगे और तेलंगाना का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। और ऐसा देखा गया तो हम टीम को जो अक्सर इंडिया लेवल पर भी जाते हैं, जैसे बेंगलुरु के ऊपर, कभी जो है कर्नाटक में, कभी जो है बीजापुर में, कभी जो है हम उत्तर प्रदेश में, मुख्तलिफ मुकामात पर हमारी टीम जो है नेशनल लेवल पर लड़ती है, लेकिन ये पहली मौका है जो हमारे तेलंगाना की टीम तकरीबन 14 बच्चे जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और मुख्तलिफ स्टाइल के आ रहे हैं, शोटोकान है, जो गुजुरी है, और जो है सिबिकान है इसके अंदर, बोटोकान है इसके अंदर, मुख्तलिफ स्टाइल के लोग इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो बहुत टफ मुकाबला है। तकरीबन ये 2 महीने से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखना है कि अब ये टीम हमारी तेलंगाना की ज़रूर जीतेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना के लिए, मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूं कि हमारे गवर्नमेंट ये हमारी जो टीम जा रही है उनके लिए कुछ ताउन करें, ये हम अपने ओन पैसों से हम जो जा रहे हैं, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, खुद हम अपना टिकट लगा लेके जो भी वहाँ पर 10 दिन का जो खर्चा है होटलिंग का, वहाँ पर ट्रेनिंग का, वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं हम लोग, वहाँ पर हमारी टीम बोंकाई की और कतास की, विपंस की और जो है स्लाट की, वहाँ पर नया गेम आया हुआ है, तो वहाँ पर हम ट्रेनिंग भी फीस जमा करें हैं, वहाँ ट्रेनिंग भी हासिल करेंगे, हम चैम्पियनशिप के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग भी होगी और हम चैम्पियनशिप भी लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। ये तो आप जानते हैं कि ये मौका था, फिर भी मैं स्पर्श करता रहा हूँ, लेकिन इसकी जो सेमिनार हो रहा है हमारा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सी उमेश चंद्रा की, लेकिन ये सी उमेश चंद्रा मेमोरियल 16 IPS कराटे ओपन चैम्पियनशिप आरा मसारा चैलेंज का हम रखते हैं। इसमें तकरीबन 70 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, 450 से बच्चे इसमें शिरकत करेंगे, इसमें जो है 6 साल से लेकर 20-25 साल तक बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो इसमें तकरीबन हमारे पास तकरीबन पैनल में तकरीबन जो है 30 रेफरी या जजेस को पैनल में लिया गया है, उन्हीं की निगरानी में यसी उमेश चंद्र IPS ऑल इंडिया चैम्पियनशिप हमारी हो रही है, और ये प्रकाशामर गांधी भवन में सुबह 9 बजे से रात के 8:30 तक ये चैम्पियनशिप जारी रहेगी। इसमें तकरीबन 21 जो है इवेंट रखे गए हैं, जिसमें स्पारिंग है, कताज है, सिंक्रोनाइज कताज है, टीम कताज है उसके अंदर, और किक कंट्रोलिंग है, और जो सिंक्रोनाइज कताज है, सिंगल कताज है, और ब्लैक बेल्ट और जो है ब्राउन बेल्ट, कलर बेल्ट, विपंस है, विपंस में लॉन्ग विपंस भी है, शार्ट विपंस भी है, तो इस तरह से 21 इवेंट रखे गए हैं। ये मुकाबले जो इंशाल्लाह सुबह में 9 बजे शुरू होंगे प्रकाशामल गांधी भवन में, और हमारे जो स्पोर्ट डायरेक्टर साहब और बहुत सारे VIP चक्रवर्ती साहब, ECP चामिनार के अलावा हमारे MLA साहब भी वहाँ तशरीफ लाएंगे। तो ये चैम्पियनशिप हमारी जो है तकरीबन 2 मई को रखा गया है, जो मंडे है जिस दिन, और आरा मसाला चैलेंज कप भी इसमें रखा गया है, और उसमें ब्लैक बेल्ट कैश अवार्ड भी है, और ब्राउन बेल्ट कैश अवार्ड भी है, और चिल्ड्रंस कैश अवार्ड भी है, और कलर बेल्ट कैश अवार्ड भी है। तो इस तरह से बच्चों को हिम्मत अफजाई के तौर पर हम लोग जो है चैम्पियनशिप रखते हैं, ताकि स्कूल्स के अंदर ये मार्शल आर्ट को हम उजागर करना चाह रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि स्कूल्स में खासतौर पर हमारे ख्वातीन को जो है सेल्फ डिफेंस के तरफ आगे करें, और गवर्नमेंट में बजट निकालें ताकि हमारे इंस्ट्रक्टर जाएँ और वहाँ पर हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर लड़कियों को जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देके अपनी हिफाजत खुद कर सकेगा, एक मौका फराहम करें। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि मार्शल आर्ट के लिए कुछ बजट कायम रखें, और पुलिस की जानिब से भी जो है हम लोग कराटे सिखाते हैं, खासतौर पर स्कूल्स में, कॉलेज में
इनसे गुजारिश करता हूँ लड़कियों के लिए खासतौर पर मार्शल आर्ट का शोबा कायम करें, गवर्नमेंट से मुतालबा है। थैंक यू।